शिवना शुद्धिकरण के नाम पर लाखों खर्च करने के बाद फिर से जलकुंभी फैलना सफाई अभियान के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पूर्व कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने 2015 में मंदसौर आते ही विशेष सफाई अभियान चलाया था। एक सप्ताह चले इस अभियान में कई विभाग और सामाजिक संगठनों ने श्रमदान कर जलकुंभी निकाली थी। श्रमदान कर नदी से जलकुंभी निकाली थी। कई दिनों तक लोक निर्माण विभाग की मशीनों से सफाई अभियान चलाया गया था। उस समय दावा किया गया था कि दोबारा शिवना में जलकुंभी नहीं दिखेगी। हाँ, शिवना में जलकुंभी की समस्या है। पूर्व में हमारे द्वारा जो है करीब 4-5 माह पूर्व जो है वो पशुपतिनाथ क्षेत्र में हमारे द्वारा जो है सफाई का कार्य करवाया गया था। जलकुंभी जो है उसके उपचार का जहाँ तक प्रश्न है कि अब चूंकि बारिश आ गई है और नमी के कारण जो है वो जलकुंभी बड़ी तेजी से फैलती है, तो वर्षा पश्चात जो है वो पुनः उसके जो है वो निराकरण का काम हम लोग करें। हाँ, निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि इसके स्थायी समाधान की ओर हम लोग इसको टेक्निकली और साइंटिफिकली किस तरीके से हम लोग इसके खत्म कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग आगे कार्रवाई करें। वर्तमान में शिवना में जलकुंभी फैल रही है। नपा सीएमओ पीके सुमन का कहना है कि 4-5 महीने पहले ही शिवना से सफाई कर जलकुंभी निकाली गई थी, वापस से जमने लगी है। इसका स्थायी समाधान बारिश के बाद टेक्निकल प्रयोग करके किया जाएगा। माँ शिवना नदी में ऐसे ही तो प्रदूषित नदी के या नाले के नाम से हम कह सकते हैं अभी, क्योंकि इसकी लड़ाई तो लंबे समय चल रही है। पर जो जलकुंभी है ये स्थानीय समस्याओं का प्रावधान है कि प्रशासक को और नगर पालिका की टीम को मिलकर इसको हटाया जा सकता है। इसके अनेक औषधीय गुण हैं। रोमन में इसको पहले खाने मतलब सैनिकों को खाने के लिए भी दिया जाता है। इसके डायबिटीज अनेक प्रकार के रोगों में ये औषधि के रूप में काम आता है, परंतु प्रशासन बिल्कुल बेफिक्र है और वो जलकुंभी अगर वो शासकीय स्तर पर हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो मेरा पहले भी हमने उनको सुझाव दिया था कि इसको एक आप निर्धारित करते हैं कि जैसे गाजर घास हमने पहले खरीदी थी उसके बदले में कुछ पैसा दिया था, तो इसके लिए भी जनता से वो निवेदन करें कि भैया 25 पैसे किलो या 50 पैसे किलो का रेट निर्धारित है, आप इसको निकाल कर लाएँ और हम इसको ले लेंगे। तो दो काम होंगे, एक तो जो गरीब वर्ग है जिनको काम नहीं मिलता है और वो लोग उस काम में भी लगेंगे, जलकुंभी भी हट जाएगी और एक बड़े खाद के रूप में भी इसका हम समावेश कर सकते हैं। तो माननीय कलेक्टर साहब यहाँ के प्रशासक भी हैं और माननीय विधायक जी वो भी जागरूक हैं, माननीय सांसद जी भी जागरूक हैं और मने सामाजिक संगठन भी इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। आप किसी को भी इस काम के लिए निर्धारित कर दें। अगर आपने प्रशासनिक मशीनरी लगा के हटाया तो निश्चित रूप से सोने से गड़ावान महंगी पड़ेगी, इसलिए आपको इसको प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का एक सेंटर लगा दें ताकि जलकुंभी भी हट जाएगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारी शिवना जो है अभी इतनी गंदी दिख रही है कहीं ना कहीं साफ दिखने लगेगी। ये शिवना में जो जलकुंभी हो रही है ये क्या दूषित पानी के कारण बोले ये ना पूरा शिवना नदी गंदी हो रही है और इसका शुद्धिकरण का कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा, ना नगर पालिका ना कोई नेता और ना कोई अफसर, और लोगों रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या और उसका शुद्धिकरण का ध्यान दे नहीं तो शिवना है ना पूरी मेली हो जाएगी। अभी क्या स्थिति है? अभी ये जलकुंभी आप देखो ना साहब कैसी हो रही है, बिल्कुल गंदी हो रही है शिवना, जिसमें लोगों दिए हुए छोड़ते हैं और आज कुछ भी नहीं कर सकते इसके। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंदसौर से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट।